हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूँ आपकी प्यारी कुकू और आज की छोटी सी कहानी है दहेज प्रथा को लेकर। रमेश जो कि किसान था, वो धनकपुर गांव में किसानी करता है। बड़ी मुश्किल से दो वक्त की रोटी अपने परिवार के लिए कमा पाता है। रमेश की एक बेटी महुआ और दो बेटे हैं। बेटी सबसे बड़ी है और बेटे छोटे हैं। महुआ ने 5वीं पास कर लिया है। अब रमेश उसकी शादी के बारे में सोचने लगा, क्योंकि उसके पास अब पैसा नहीं था कि वो अपनी बेटी को आगे पढ़ा सके। रमेश अपनी लड़की का रिश्ता लेकर लखन जो कि एक किसान है उसके पास पहुंचता है। पहले तो लखन बहुत ही खुश हुआ, लेकिन जब रमेश ने उससे कहा कि उसके पास देने के लिए कुछ भी नहीं है, तो लखन के तेवर बदल गए और कहने लगा, मेरे पास तो बहुत ही जमीन है। फिर उसने शादी के लिए मना कर दिया। रमेश बहुत ही दुखी मन से घर वापस आ गया। जब घर आया तो सब लोग बहुत खुश थे और सोच रहे थे कि रिश्ता पक्का हो गया होगा, लेकिन बात तो कुछ और ही थी। शाम को रमेश अपनी पत्नी को सब कुछ बताने लगा और उसकी पत्नी की आंखों से आंसू निकल पड़े। रमेश और उसकी पत्नी को लगा कि सब सो गए हैं, लेकिन उनकी बेटी महुआ चुपके से सब बातें सुन रही थी और अपने आप को बेटी होने पर कोस रही थी। रात भर महुआ को नींद नहीं आई और सुबह उठकर उसने जहर खा लिया और हमेशा के लिए इस दुनिया को छोड़कर चली गई। आज के जमाने में भी दहेज एक फैशन बन गया है। हर आदमी दहेज के पीछे भाग रहा है। लोग अपने बच्चों को डॉक्टर या इंजीनियर बनाते हैं ताकि अच्छा दहेज मिल सके। सबसे हैरान करने वाली बात तो ये है दोस्तों, जो लड़का डॉक्टर या इंजीनियर बन जाता है वो भी दहेज के लिए कभी मना नहीं करता। क्या मेडिकल या इंजीनियरिंग कॉलेज में उसे यही बताया गया है कि दहेज लेकर ही शादी करो? हम नई पीढ़ी के लोग ही इसको बदल सकते हैं। कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि दहेज नहीं मिला तो इससे हमारे सम्मान को कम हो जाता है। दोस्तों, दहेज लेना और देना दोनों अपराध है, लेकिन हम और ये समाज पता नहीं कब ये बात समझेगा। दोस्तों, आप भी अपनी राय दें इस पर और अगर कहानी अच्छी लगे तो एक लाइक जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।